दोस्तों और साथियों, आपने बीटल्स का नाम सुना होगा। जो बीटल्स थे, अमेरिकन एंड इंग्लिश सॉन्ग सिंगर, उन्होंने ही इंडिया को मेन क्या कहते हैं मशहूर किया था, क्योंकि वो सबसे पहले इधर आके उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट करी, और उसके बाद हिप्पीस जो थे, हिप्पी वो उनके पीछे पीछे आए, और जहाँ पे बहुत मतलब इंडिया को ज़्यादातर एक्सप्लोर करने वालों में सबसे ज़्यादा हिप्पीस और बीटल्स का ही हाथ है। जो उनका आश्रम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे उन्होंने ध्यान साधना के लिए बनाए थे कमरे। तो अभी भी आप अगर इसके अंदर बैठ के 10 मिनट के लिए अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, अपने सांसों की आवाज़ सुनेंगे, तो बिल्कुल गुप्त। तो जहाँ पे आप अंदर बैठ सकते हो, लेकिन अब जो रूइने हो गए हैं, क्योंकि ये बीटल्स के बाद कोई आया ही नहीं इधर। इसको बोलते हैं लास्टन, कोई जो गुम हो गया जे शहर या आश्रम, क्योंकि जो बीटल्स के नाम पे ही होता था। तो अभी जहाँ पे से रुइने है, जो कहते हैं खंडर से बन गए खंडर, अभी भी जे आप टूरिस्ट के बुक्स होती हैं उसके अंदर इसका नाम है, लेकिन हमारे इंडियन लोग यहाँ काम ही आते हैं, क्योंकि जे इसकी ज़्यादा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई इंडिया में। तो जहाँ पे आने का किराया है गोरों के लिए 1200 रुपया पर पर्सन, और इंडियन के लिए 200 रुपया ये देखने के लिए, तो वो कम ही आते हैं। मैंने खाया ही नहीं। तो जहाँ पे ये आप देख सकते हैं ट्रुली बनी हुई है, जैसे ट्रुली जहाँ एक 3 मंजिला ये गुंबद बना हुआ है, 3 मंजिला, और हर जगह ऐसे कोई 400-500 बना हुआ है। अभी भी अंग्रेज आते हैं सिर्फ देखने, ज़्यादातर फॉरेनर्स। तो पेपर स्टोरी है, आप नीचे बैठ सकते हो। कभी भी आप ऋषिकेश आओ, आप यहाँ से नीचे रास्ता बना हुआ है नीचे वाले फ्लोर का, बड़ी अच्छी एनर्जी है इसके अंदर। इधर आपका उनके अपने कपड़े और अलमारी बनी होती थी, इधर अटैच बाथरूम होता था उस टाइम पे, जेब बैठने वाली होती थी सीट, तो हवा के लिए चारों तरफ खिड़कियाँ थी। अभी भी आप बैठेंगे तो आपको आनंद आएगा के अंदर। जब रुइने हो गई हैं, ये टॉयलेट बाथरूम, तो 80-85 तक, 1975 से 85-90 तक जब हिप्पी होते थे उनके लिए ये बने हुए थे। आप कभी आओगे तो आनंदमय जगह है, लेकिन कोई मूर्ति नहीं है, कोई भगवान का मंदिर नहीं, कोई रब का, सिर्फ वो अपने आप को जानने की जगह एक। तो ये चारों तरफ एक बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके आगे क्या कहते हैं चीते और हाथियों का रिजर्व है यहाँ पे। मैंने खिंचाई नहीं इधर। ऐसे बने हुए हैं और पत्थर लगे हुए हैं, ये सारे 3 स्टोरी है, नीचे रहने की जगह, ऊपर मेडिटेशन प्लेस है। ये मेन रोड भी स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हो, इसका नाम है 84 कुटिया राजा जी टाइगर रिजर्व ऋषिकेश। ये महाराज जी का जो आश्रम था वो इस तरफ है, तो लोग इसमें ही रहते थे ज़्यादातर, और कई लोग अपनी वो छोटी सी हट बुक करवा लेते थे। ये आपको पुराना डाक बॉक्स भी मिलेगा, इसमें चिट्ठियाँ पड़ती थी उस टाइम पे।
ठीक है जी।